गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, टुडे क्लास इज कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा राइटिंग विद द वर्डपैड। ये चैप्टर आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, टेक्स्ट स्टाइल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। ओके, तो आज हम टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि टेक्स्ट में हम किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो हम टेक्स्ट जो कंप्यूटर में लिखते हैं उसमें किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो नाउ लुक एट दिस थ्री बटन्स इन द टूल बार। यहाँ पे देखिए टूल बार में थ्री बटन्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखेंगे बी बना है, इसका नाम है हमारा बोल्ड बटन, और ये आपका आई बना है, इसको बोलते हैं हमारा इटैलिक बटन, और ये यू है, ये हमारा अंडरलाइन बटन। ये अंडरलाइन मतलब जो वर्ड होता है उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है, और बी हमारा जो है वो किसके लिए यूज होता है, बोल्ड करने के लिए, जो हमारे राइट जो भी लिखते हैं उसको बोल्ड करने के लिए, ठीक करने के लिए, जैसे जो हम मोटा मोटा लिखे, ठीक है, और आई इटैलिक जो हमारा थोड़ा सा स्लैंटिंग लिखने के लिए, जो हम इस तरीके से पेज करते हैं, जैसे कैसे आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे आपने लिखा राइट, तो इस तरीके से ये होता है स्लैंटिंग। ओके, तो ये हमारा स्लैंटिंग होता है, अंडरलाइन मतलब किसी भी हम जो वर्ड लिखेंगे उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन बनती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसका यूज करेंगे और किस तरीके से हाईलाइट होता है। ओके, दीज आर यूज फॉर हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, और ये किस लिए यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को जो भी हम राइट करते हैं वर्ड पैड में उसको हाईलाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे सिलेक्ट द लाइन हैप्पी दिवाली इन योर लेटर, जो हमने टेक्स्ट लिखा है वर्ड पैड में इसमें क्या है, हैप्पी दिवाली, तो उसको हमने सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे नाउ क्लिक द बोल्ड बटन। बोल्ड बटन हमारा मैंने बताया था आपको, ये होता है देखिए ऐसे इस तरीके से होगा, उसमें बी लिखा होगा बोल्ड बटन, एंड टू गिव द एक्स्ट्रा थिकनेस टू दिस टेक्स्ट, और ये हमारे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको एक्स्ट्रा थिकनेस देता है, मतलब वो थोड़ा हाईलाइट और मोटा दिखता है। ओके, नाउ सिलेक्ट अनदर लाइंस और वर्ड, एग्जाम्पल रोहन, जैसे हमारा हैप्पी दिवाली लिखा है, इसको छोड़ के जो अनदर वर्ड्स होंगे, जैसे जिस तरह की आपने लिखा हो रोहन, एंड क्लिक द इटैलिक, ये देखेंगे आपका आई जो बटन बना हुआ वो इटैलिक बटन, इट विल गिव अ टिल्टेड इफेक्ट टू दिस टेक्स्ट, और इसको ये अलग ही टिल्टेड इफेक्ट मतलब ये इटैलिक हो जाता है, जो कि आपके स्लाइडिंग की तरह वर्ड में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन एग्जाम्पल हैप्पी दिवाली वंस अगेन, फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा हैप्पी दिवाली लिखा है, ये हैप्पी दिवाली ये लिखा है, तो इसको फिर से हम सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक द अंडरलाइन बटन्स, और फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आकर हम अंडरलाइन बटन्स को क्लिक करेंगे, अंडरलाइन बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो हैप्पी दिवाली लिखा है उसके नीचे इस तरीके से ये अंडरलाइन हो जाएगा। ओके, एंड इट विल हाईलाइट द टेक्स्ट बाय प्लेसिंग अ लाइन अंडर द टेक्स्ट, एंड इट विल बी मतलब ये फिर हमारे क्या हो जाता है, जो टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है जिस प्लेस पे रहता है, ठीक है, प्लेस लाइन अंडर द टेक्स्ट, तो ये जो हमारा जो प्लेस होता है उसके नीचे क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। ये जिस तरीके से देखेंगे हैप्पी लाइन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस प्लेस के नीचे क्या हुआ हमारा, अंडरलाइन हो गया। तो नाउ हमारा ये किस तरीके से इफेक्ट हमने किया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट साइज एंड कलर। अब हम देखेंगे टेक्स्ट में हम किस तरीके से इसके साइज को चेंज करेंगे एंड कलर को चेंज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साइज के बारे में बात करेंगे, तो चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा, सिलेक्ट द टेक्स्ट हूज साइज यू वांट टू चेंज, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है जिसके लिए मतलब जो भी टेक्स्ट आपका लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, उसका किस मतलब कितना साइज या कैसा साइज करना चाहते हैं। ओके, तो क्लिक इन द बॉक्स ऑफ द फॉन्ट साइज टू टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ नंबर्स, जब आप क्लिक करेंगे किस पे, बॉक्स पे फॉन्ट साइज टू पे, आपका जो नंबर टूल होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक लिस्ट खुल के आएगी, उसमें आपकी नंबरिंग भी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट अ नंबर लेस देन 10, जब आप उससे अगर 10 से कम नंबर सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, मेन
टैक्स स्मॉलर, तो आपका जो टैक्स क्या होगा वो स्मॉलर होगा, मतलब छोटा रहेगा. ओके एंड मोर देन 10 टू मेक इट्स बिगर. अगर आप 10 से ऊपर नंबर सिलेक्ट करते हैं तो आपका नंबर जो जो भी टैक्स होगा वो बड़ा दिखाई देगा. ओके तो इसके बाद है आपका दे सिलेक्टेड इट बाय द क्लिकिंग एनीवेयर इन द टैक्स एरिया. और जब आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पहले किसी उसमें हमारा जो वर्ड पैड एरिया होता है उसमें कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं. ओके तो ये हमारा टैक्स साइज, किस तरीके से हम टैक्स में साइज चेंज करेंगे. और हमारा है यहाँ से देखेंगे दूसरा टॉपिक है टू गिव अ न्यू कलर टू द टैक्स इन वर्ड पैड डॉक्यूमेंट्स. अब इसमें हम क्या करेंगे, कलरिंग, किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो टैक्स लिखे हैं उसमें हम कलर्स में उसके टैक्स में कैसे कलर्स चेंज कर सकते हैं. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिलेक्ट द टैक्स टू बी कलर्ड. तो जो कलर होगा उसमें हम किस तरीके से सिलेक्ट करना है हमें, तो सिलेक्ट करेंगे हम टैक्स टू बी द कलर. जो भी हमें टैक्स कलर करना होगा, जो भी वर्ड आपको कलर करना होगा उसको सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे. ओके देन क्लिक द कलर टूल बटन टू ओपन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है उसके बाद आपको क्लिक करना है किस पे, कलर टूल पे. एंड उसके बाद वो आप ओपन हो जाएगी, आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे. एंड उसके बाद नाउ क्लिक ऑन अ कलर ऑफ योर चॉइस टू गिव अ न्यू कलर टू द सिलेक्टेड टैक्स. ओके जो आप उसके बाद क्या करना है, आपको क्लिक करना है जो भी कलर आपको, मतलब जो भी कलर, जिस भी कलर में चेंज करना है टैक्स को वो कलर चूज करेंगे. देन उसके बाद आप ये क्या करेंगे, जो न्यू कलर होगा यहाँ पे देखेंगे न्यू कलर टू द सिलेक्टेड टैक्स, और जो आपका आपने जो सिलेक्ट किया था टैक्स वो आपका उस कलर में चेंज हो जाएगा. ओके एंड दे सिलेक्टेड इट बाय द क्लिकिंग इन ब्लैंक एरिया. और जब आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो किसी भी ब्लैंक एरिया में आप क्लिक कर सकते हैं. सो आपका जो आज हमने क्या पढ़ा, टैक्स साइज एंड कलर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया. और हमने इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हमें इफेक्ट्स करने हैं. तो इफेक्ट्स में हमारा हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे का जो टॉपिक है उसे हम क्लियर करेंगे. थैंक यू क्लास.